अब जो मौसम आ रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक आध कुछ लोगों को स्वाइन फ्लू डिटेक्ट भी हुआ है। तो अब जो मौसम है, इसमें स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़ते हैं। जो आने वाला समय है, तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेनी होंगी। और जो व्यवस्थाएं हैं हम लोगों ने जो की हैं यहाँ पे, अब जो आने वाला समय है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो महीने हैं, इन महीनों में स्वाइन फ्लू का पिछली बार जो एक आउटब्रेक था, उसमें काफ़ी केस सामने आए थे। तो इसकी तैयारी भी अभी से करनी होगी, जिसमें कि जांच की सुविधाएं और जो मरीजों को भर्ती करने की सुविधाएं हैं, उनको हम लोगों को देखना है। लेकिन जो हाइजीन और कांटेक्ट से बचने की जो प्रिकॉशंस हैं, उनको मरीजों को स्वयं ही लेना होगा। ये जिस तरह से फ्लू होता है कि जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, अगर ये लक्षण और ज़्यादा बढ़ते हैं कि ज़्यादा सांस फूलने लगे, ज़्यादा बुखार आए तेज़, खांसी ज़्यादा हो, या फिर बेहोशी के अटैक भी पड़ सकते हैं, या जीआई सिम्टम्स जो हैं जिनमें उल्टी, दस्त, ये भी और एडिड हो सकता है, सिर दर्द या माइल्जिया और आर्थ्राइल्जिया की जो समस्याएं हैं, शरीर में दर्द होने की, ये समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो जब ये सीवियर होने लगे, जो फ्लू है वो ज़्यादा सीवियर होने लगे, तो इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हो, स्वाइन फ्लू के चपेट में मरीज हो। बचाव के लिए देखिए, सबसे ज़रूरी है हाइजीन। एक तो हैंड हाइजीन है, और दूसरा ये है कि हम लोग जिस पीड़ित से मिल रहे हैं उनको टच करना, हैंड हाइजीन रखना, हाथ धोकर ही कहीं पे हाथ लगाना, चाहे खाना खा रहे हैं या मुंह से हाथ लगा रहे हैं, नाक में हाथ लगा रहे हैं। तो जितनी बार भी अगर हाथ की सफाई होगी तो अच्छा होगा। दूसरा ये कि जिन लोगों को फ्लू के सिम्टम्स हैं, उनको थोड़ा सा प्रिकॉशंस की आवश्यकता है कि वो मास्क लगा के रहें और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बनाएं और उनको टच ना करें। जी।